दोस्तों, आप अगर कहीं भी कंप्यूटर फील्ड में किसी जॉब को करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड का होना। तो टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे कीबोर्ड को बिना देखे टाइपिंग को किया जाए, तो आज यही सब कुछ हम हमारे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर परफेक्ट और स्पीड में टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके हाथ तो कीबोर्ड पर होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखें हमेशा आपके मॉनिटर, आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, तभी आप स्पीड में और परफेक्टली टाइपिंग को कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे हाथ कीबोर्ड पर कैसे रखे जाएं। तो हम आज के हमारे इस वीडियो में परफेक्ट और स्पीडली टाइपिंग कैसे की जाए यह सब कुछ सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड पर हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए, हमारी कौन सी फिंगर कहाँ पर होनी चाहिए, हम इसे देखते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पर हमें केवल 3 रो को ही कंप्लीट करना होता है, जिन 3 रो पर सारे अल्फाबेट्स होते हैं। हमारे हाथ की उंगलियाँ कीबोर्ड पर सेंटर वाली लाइन पर ही फिक्स होती है। आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि हमारे कीबोर्ड में जो सेंटर वाली लाइन होती है उसमें एफ पर और के पर 2 लाइन वाले उभार होते हैं। आखिरकार ये क्यों होते हैं? तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां एफ से लेफ्ट साइड में रखनी होती है और हमारे राइट हैंड की 4 उंगलियां जे से स्टार्ट करके इसे राइट की ओर रखा जाता है। हमारे हाथ को सेट करने के बाद बीच में जी और एच 2 की बचती है, जो हमारे एफ और जे पर रखी हुई उंगलियों के द्वारा ही प्रेस की जाती है। टाइपिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम सबसे पहले कीबोर्ड की सेंटर वाली रो को कंप्लीट करें। कीबोर्ड की सेंटर वाली रो पर हमारे लेफ्ट हैंड की उंगलियों के नीचे कौन से अल्फाबेट होते हैं, सबसे पहले हमारी उंगलियों को वह समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हमारी राइट हैंड की उंगलियों के नीचे कौन से अल्फाबेट होते हैं, हमें वह समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बिना देखे केवल सेंटर वाली रो पर हमारी 4 उंगलियों के नीचे कौन से अल्फाबेट हैं, यह हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और हमें इसकी प्रैक्टिस तब तक करना चाहिए जब तक कि सेंटर वाली रो हमारी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद फिर हम ऊपर वाली रो पर चलेंगे, लेकिन ऊपर वाली रो पर टाइप करने के लिए भी हमारा हाथ केवल सेंटर वाली रो पर ही रखा रहेगा। केवल हमारी उंगलियां सेंटर वाली रो से उठकर ऊपर वाली रो पर जाएगी। फिर हमें हमारी अगली प्रैक्टिस में यही सीखना है कि हमारे लेफ्ट वाली फिंगर और राइट वाली फिंगर हमारे सेंटर वाली रो से उठकर ऊपर वाली रो में जब जाती हैं तो वे कौन से अल्फाबेट पर जाती हैं। इस बात को हमें अपने माइंड में सेट कर लेना होगा और हमें ऊपर वाली रो की भी तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी जब तक कि हमें ये अच्छे से पता नहीं चल जाता कि हमारी ऊपर वाली रो पर कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद हम यही सेम प्रोसेस हमारी सबसे नीचे वाली रो पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमारी उंगलियां तब भी सेंटर पर ही होगी, लेकिन सेंटर पर होने के बाद वे वहां से उठकर जब नीचे जाती है तब वे कौन सी उंगली किस अल्फाबेट पर जाती है, हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा और उसे हमें याद करना होगा। ऐसे ही जब हमारी 3 रो की बारी बारी से प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तब हमें ये समझ में आने लगेगा कि हम बिना कीबोर्ड पर देखे कैसे टाइप कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपकी स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन तब भी आप कोशिश यही करना, आप अपना धैर्य बनाए रखना कि आपको किसी भी कंडीशन में अपने कीबोर्ड को नहीं देखना है और चाहे धीरे धीरे ही, लेकिन जैसे भी हो बिना कीबोर्ड पर देखे ही टाइप करना है। यदि आपने इस बात का ध्यान रखा तो कुछ समय के बाद आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप एक दिन बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही स्पीडली कीबोर्ड पर बिना देखे टाइपिंग करना सीख जाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और भी जानकारियां आप तक पहुंच सके।